खबर दंतेवाड़ा से, जहां किरंदुल नगर पालिका की ओर से एनएमडीसी की पर भूमि अतिक्रमण करने और अलग अलग टैक्स का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाने के बाद एनएमडीसी ने पहली बार मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा और नगर पालिका के आरोपों का खंडन किया। एनएमडीसी के अधिकारियों ने कहा कि देश की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी किसी ने कभी भी पालिका और भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया। पालिका अध्यक्ष की ओर से लगाए गए उक्त भूमि का अधिकार एनएमडीसी के पास राजपत्र में प्रकाशित दस्तावेज में उल्लेखित है, जिसके स्थायी पट्टे के लिए प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दिया गया है। साथ ही दूसरे सभी मामले कोर्ट में हैं, जिस पर फैसला आते ही सभी भुगतान कर दिए जाएंगे। मैं इसको पॉइंट वाइज बताता हूं, उनको जो क्लेम है, एनएमडीसी ने 25 इयर्स है टैक्स पे नहीं कर रहा बोल के उसको एक मुद्दा है, वो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए बोल रहा हूं गलत है, हम इसको पेमेंट लगातार करते आ रहा है। इसको और एक इन्फॉर्मेशन है, अप टू 2015 तक एनएमडीसी ने कैलकुलेट करता था टैक्स, वो उनको जमा करता था, वो एक्सेप्ट करता था। उसके बाद कुछ डिस्प्यूट आया उसी में, वो जो डिस्प्यूट ऑनरेबल जो हाईकोर्ट बिलासपुर में किया था, उसके बाद उधर से कुछ डायरेक्शन आया, उसके हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से हम लोग उसको टैक्स पे कर रहा है, वो लगभग 19 लाख पर ईयर।